हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए ठंडियों में पीने जाने वाले सूप। वेजिटेबल सूप बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सूप कम ही सामानों से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने ले लिया है कुछ सब्जी। तो हमने ले लिया है बीन्स, कैरेट, कॉर्न ले लिया है। तो आपको जो भी सब्जी पसंद हो आप उसको ले सकते हैं। थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन को बिल्कुल बारीक काट के ले लिया है। तो चलिए क्या चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए, हमने ले लिया है कढ़ाई को और उसमें डालेंगे हैं आधा चम्मच घी। देसी घी है या किसकी जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे ऑयल, जो भी तेल आप खाने में यूज़ करते हैं थोड़ा सा उसको डाल दें तो हमारा घी या बटर जलता नहीं है। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन जो हमने बारीकी से काट के रखा था और अदरक को, और इनको भी 2 मिनट के लिए हम अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक को। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की सूप की रेसिपी। तो देखिए, 2 मिनट हो गया है मैं भूनते हुए, अदरक लहसुन बहुत ही अच्छे से भून गया है, कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। तो अब इसी समय हम डाल देंगे इसमें सब्जी, जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी हम सब सब्जी को डाल देंगे। तो हमने बीन्स, कैरेट, कॉर्न लिया था उसको डाल देते हैं। आप और भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गोभी, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो देखिए, हम सब्जी को भी 2 से 3 मिनट के लिए घी में भून लेंगे अच्छे से, ताकि हल्का सा मुलायम हो जाए सब्जी। तो देखिए, हो गया 2 से 3 मिनट भूनते हुए, तो सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर। ये बहुत ही ज़रूरी है सूप में डालना, बहुत इससे टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत ही फायदा करता है ठंडियों में, अगर आप इस तरीके से सूप बना के पियेंगे तो। देखिए, 1 मिनट हो गया, हमने मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं लगता, बहुत ही आसान है बनाना। तो पानी अपने इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मटर, मटर में नहीं डाला था तब, अब डाल देंगे इसी समय और इसको उबलने देंगे। तो हम उबाल आने के लिए छोड़ेंगे, इसलिए मिला देते हैं पहले, क्योंकि मटर हमने बाद में डाला है तो इसको हमें पकाना है। तो हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। तो ढक देते हैं, ढक के जब तक उबाल ना आ जाए तब तक इसको छोड़ दें इसी तरीके से। तो चलिए, 5 मिनट हो गया है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, पानी में कितना उबाल आ रहा है, कितने अच्छे से सभी चीज़ें हमारे अच्छे से पक गया है हल्का सा। तो मिला लेते हैं। तो ये सूप बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो देखिए, हमने मिला लिया अच्छे से, देख सकते हैं आप भी, ये बहुत पतला है। तो इसको हम उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। मैं थोड़ा सा पानी और डाल दिया था, मुझे कम लग रहा था इसलिए। तो इसको हमने देखो नमक डाल के भी मिला लिया है। तो आप इस तरीके से भी सूप को पी सकते हैं, अगर हेल्दी सूप पीना है तो। अगर आपको रेस्टोरेंट की जैसे पीना है तो आप चलिए बनाते हैं बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल सूप। हमने थोड़ा सा ले लिया 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको पानी में अच्छे से घोल लेंगे। अगर आप हेल्दी सूप पीते हैं तो अब आपका सूप ये बनके तैयार हो गया, आप इसी तरीके से पी सकते हैं। लेकिन हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल सूप। तो इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसको पानी में घोल लिया था अच्छे से, उबलते हुए पानी में ही हम इसको डाल देंगे और फिर इसको मिलाएंगे अच्छे से। कॉर्नफ्लोर जब भी डालें आप याद रखें इसको चलाते रहें, छोड़े नहीं। और इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तो ये देखिए, हमने मिला लिया है अच्छे से कॉर्नफ्लोर को भी। अब इसमें हम डालेंगे कलर के लिए कुछ सॉस। तो हमने लिया है सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है, 1 चम्मच डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगा। और डालेंगे 1 चम्मच ग्रीन चिली, आप इसकी जगह रेड चिली भी डाल सकते हैं। तो ग्रीन चिली हमने डाल दिया है 1 चम्मच, इसको मिला देते हैं। बाकी देखिए, हमने कुछ भी नहीं डाला है, बस इतने ही मसाले डाले हैं, इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा सूप बनके तैयार हो जाएगा, जो बच्चे से लेके बड़े तक को सबको पसंद आएगा, सभी मांग मांग के पियेंगे। तो इसको 2 मिनट के लिए हम इसी तरीके से और पका लेंगे चलाते हुए। तो ये देखिए, हमारा सूप बनके तैयार हो गया है, 2 से 3 मिनट हो गया है हमको पकाते हुए, कलर भी देख सकते हैं आप और कितना गाढ़ा भी हो गया है। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, गैस करते हैं बंद और आप इसके ऊपर से काली मिर्च का पाउडर और भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा सूप बनके तैयार हो गया है रेस्टोरेंट स्टाइल, देखने में लग रहा है ना बिल्कुल कि बाहर से आया है सूप। तो इस तरीके से बना के पी लीजिए और बच्चों को भी दीजिए, बाहर का सूप नहीं मंगाइए ना पीजिए,
घर में ही हेल्दी सूप बना के पीना। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।